तो बच्चों, आज की वीडियो का टाइटल आपको पता है कि मेरा विद्यालय, तो इसे बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप इसे एक दो बार सुने और ये आप खुद लिख पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा मेरा विद्यालय यानी मेरा स्कूल। तो उसके ऊपर हम हिंदी में एक ऐसे लिखने वाले हैं जो 10-20 लाइन्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से जितनी भी आपको याद रहेंगी आप उतनी लाइंस अपने आंसर शीट में लिख कर आएंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे, मेरा विद्यालय। तो बच्चों, मेरे विद्यालय का नाम डैश स्कूल है। तो यहाँ पर जो बच्चों हमने डैश लिखा है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, क्योंकि सब बच्चों के स्कूल्स के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कई बच्चों के स्कूल का नाम हो सकता है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श उच्च विद्यालय है। किसी बच्चे का हो सकता है सुशील केतन, किसी का हो सकता है अंकुर स्कूल, किसी का हो सकता है गरिमा स्कूल। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मेरा विद्यालय चंडीगढ़ सेक्टर डैश में स्थित है। यानी अगर आपके पास आपके स्कूल का एड्रेस है और वहाँ का कोई सेक्टर है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इन केस आपको सेक्टर नहीं पता है तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा विद्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, मेरा विद्यालय दिल्ली में स्थित है, मेरा विद्यालय मोहाली में स्थित है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपके आर्टिकल में। अगली लाइन देखते हैं, मेरे विद्यालय की स्थापना सन 1998 में हुई थी। तो अगर आपको बच्चों ईयर नहीं पता है कि आपके स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो आप ये लाइन नहीं लिखेंगे। जिस बच्चे को ये पता है कि उसके स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है वो ही बच्चा लिखे। नेक्स्ट लाइन, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, यानी एक आइडल स्कूल है आपका विद्यालय। नेक्स्ट लाइन, मेरे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं बच्चों जो फर्स्ट से शुरू होते हैं और 8th क्लास तक होते हैं, 10th तक होते हैं, तो यहाँ पर आप वो चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और जिन बच्चों का नर्सरी से प्लस टू तक है वो यही लाइन लिखेंगे कि मेरे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मेरे विद्यालय का समय 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। यानी यहाँ पर भी टाइम में वेरिएशंस बच्चों की आती है बच्चों, तो आप यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। किसी बच्चे का स्कूल जल्दी लगता है और उसकी जो छुट्टी है बच्चों वो भी जल्दी हो जाती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो मेरे स्कूल का समय सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। नेक्स्ट लाइन, मेरे स्कूल के छात्रों की पोशाक का रंग आसमानी है। अब बच्चों, हर एक बच्चे के स्कूल की जो ड्रेस है उसका कलर अलग अलग है, तो ये आसमानी के बदले आप अपने अकॉर्डिंगली अपने जिस भी कलर की ड्रेस आपके स्कूल में है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, हमारे विद्यालय में छात्र और छात्राएं दोनों साथ में पढ़ते हैं। यानी आपका जो स्कूल है अगर उसमें बॉयज़ और गर्ल इकट्ठे पढ़ते हैं तो उस स्कूल को कहा जाता है बच्चों को एजुकेशन, जिसमें बॉयज़ और गर्ल दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। यानी आपका विद्यालय बहुत बड़ा है और सुंदर है। नेक्स्ट, हमारे विद्यालय में 30 शिक्षक और 2000 छात्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्कूल में 30 टीचर हैं और 2000 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं बच्चों। हमारे विद्यालय में कैंटीन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था है। अगर किसी और चीज़ की व्यवस्था आपके स्कूल में है तो वो भी आप इस लाइन में ऐड कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट लाइन, हमारे स्कूल में सुंदर गार्डन है जिसमें सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हमारे विद्यालय में शुद्ध पेयजल और शौचालय की भी उचित व्यवस्था है। नेक्स्ट लाइन, हमारे विद्यालय में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, इसीलिए जगह जगह पर कूड़ेदान लगाए गए हैं ताकि विद्यालय हमेशा स्वच्छ रहे। नेक्स्ट लाइन, हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक बहुत ही योग्य व विद्वान हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। यानी आपके जो टीचर हैं वो हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं।
हमारा विद्यालय हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी स्कूल का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। नेक्स्ट लाइन, ये विद्यालय की गणना शहर के अच्छे स्कूलों में की जाती है, यानी आपका जो स्कूल है उसको अच्छे स्कूल्स में गिना जाता है। नेक्स्ट लाइन, हमारे विद्यालय में खेल कूद के लिए बड़ा मैदान भी है। जब रिसेस होती है, बच्चों को खेलना है तो उसके लिए आपके स्कूल में एक ग्राउंड भी अवेलेबल है। नेक्स्ट लाइन, हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल और शिक्षक हमारे मार्गदर्शक होते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपके जो टीचर हैं वो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी बातें आपको सिखाते हैं, जिससे कि आप आगे चल के अच्छे इंसान बने। नेक्स्ट लाइन, मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इससे कुछ सीख पाए हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन बच्चों के लिए हेल्प हो सके। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।